चेयरमैन पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से बतौर सरबराह पीटीआई हटाए जाने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन 10 अक्टूबर को खालिद महमूद खान की दरख्वास्त पर केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। बात करते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से बतौर सरबराह पीटीआई हटाया गया। इलेक्शन कमीशन 10 अक्टूबर को इस केस की समाअत करेगा और तोहीन चीफ इलेक्शन कमीशनर और इलेक्शन कमीशन के मामले पर भी वो 11 अक्टूबर को समाअत मुकर कर दी है। चेयरमैन पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से जब सरबराह हटाया जाएगा, इस केस पर जो है वो खालिद महमूद खान ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कागज जारी करके 10 अक्टूबर को केस समाअत के लिए मुकर कर दिया है और तमाम फरीकैन को जो है वो दरख्वास्त जो नोटिस जारी कर दिए हैं। जी उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। चेयरमैन पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से बतौर सरबराह पीटीआई हटाए जाने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन 10 अक्टूबर को खालिद महमूद खान की दरख्वास्त पर केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है। बात करते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से बतौर सरबराह पीटीआई हटाया गया। इलेक्शन कमीशन 10 अक्टूबर को इस केस की समाअत करेगा और तोहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मामले पर भी वो 11 अक्टूबर को समाअत मुकर्रर कर दी है। चेयरमैन पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से जब सरबराह हटाया जाएगा, इस केस पर जो है वो खालिद महमूद खान ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने कागज जारी करके 10 अक्टूबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और तमाम फरीकैन को जो है वो दरख्वास्त जो नोटिस जारी कर दिए हैं। जी उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। चेयरमैन पीटीआई का नाम इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड से बतौर सरबराह पीटीआई हटाए जाने की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन 10 अक्टूबर को खालिद महमूद खान की दरख्वास्त पर केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट जारी कर दी है।